आचार्य जी, हम कॉलेज में, तो एक मेरा पेपर था रिलीजन के ऊपर, तो हम अलग अलग रिलीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, कुरान और भगवद गीता। तो उसमें बेसिक चीज़ तो सबकी कॉमन होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग होती है विद रिस्पेक्ट टू अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, कि क्या एक सफल जीवन कहलाता है, कि तुम ये काम कर सकते हो। जैसे हम सिखों में होता है कि बाल नहीं काटना, क्योंकि होता है कि जैसे भगवान ने बनाया वैसे ही रहो, अपने आप में इतना मत उलझ जाओ अपनी बॉडीली अपीयरेंस में। लेकिन वही हिंदुओं में कोई इशू नहीं है। तो लेकिन अगर भगवान एक है, हमारा जो पॉजिटिविटी है वो एक है, तो क्या हमारा भगवान इतना कंडीशनल है कि वो हमारे बालों की लेंथ से हमें प्यार करेगा? तो ये सब इतने डिफरेंसेस क्यों हैं विद रिस्पेक्ट टू कि तुम कैसे जी रहे हो? देखो, वो उधर छोटी दिख रही है, देखो वहाँ रोशनी है, बाकी जगह रोशनी नहीं है। तो हर्षमिता यहाँ बैठी है और राहुल वहाँ बैठा है उधर सड़क पर, और उधर पर्वत के पीछे वहाँ रमेश बैठा है, और उधर वहाँ दूर लक्ष्मी बैठी है। ठीक है, सब अंधेरे में है, क्योंकि प्रकाश तो सिर्फ शिखर पर है। सबको कहाँ पहुँचना है? उधर चोटी पर। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, और एक उधर है, उसके भी पीछे, पर्वत के पीछे। अब चारों चले हैं, चारों का जो इरादा है पहुंचने का, वो एक ही जगह पहुंचने का है, मंजिल एक है। रास्ते कैसे होंगे सबके? अलग अलग रास्ते क्यों होंगे? क्योंकि सब अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। पैगंबर मोहम्मद ने जिन लोगों से बात की, वो लोग अलग थे। अष्टावक्र ने जिससे बात की, वो जनक थे, वो राजा थे, सुसंस्कृत राजा थे, वो आदमी अलग थे। जीसस जिन लोगों से बात कर रहे थे, वो लोग अलग थे, वो उधर बैठे हैं। कृष्ण हो कि जीसस हो कि अष्टावक्र हो, लाओत्ज़ू हो, सब तुम्हें पहुंचाना कहां चाहते हैं, लेकिन जिससे बात करी जा रही है वो आदमी कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। तो सबको राह अलग अलग बतानी पड़ती है। जो राह रमेश को बताई गई है, वो राह लक्ष्मी को नहीं बताई जा सकती, लक्ष्मी भटक जाएगी। और जो राह राहुल की है, वो हर्षमिता की नहीं हो सकती, दोनों ही नहीं पहुंचेंगे। इसको उसकी राह बताई, उसको इसकी, बड़ा घपला हो जाएगा। बात समझ रहे हो? वो सत्य है, जो राह तुम्हें सत्य की ओर ले जाए उसको कहते हैं धर्म, जो राह तुम्हें सत्य की ओर ले जाए उसको कहते हैं धर्म। इसीलिए धर्म को बड़ा व्यक्तिगत होना पड़ेगा। ये तो छोड़ दो कि 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों का धर्म एक है, 2 लोगों का भी धर्म एक नहीं हो सकता। और ये भी छोड़ दो कि 1 आदमी का एक ही धर्म हो, जो तुम्हारा धर्म अभी है वो तुम्हारा धर्म कल नहीं होगा। धर्म को बड़ी परिवर्तनशील चीज होना पड़ेगा, क्योंकि सत्य अपरिवर्तनीय है। धर्म को पूर्णतया परिवर्तनशील होना पड़ेगा, क्योंकि सत्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? अब ये बताओ कि इधर से राहुल चलता, उधर से रमेश, और उधर से लक्ष्मी, और उधर से वेंकट, और इधर से प्रिया चलती हैं, उधर से वहां से हर्षमिता चलती है, सब चलते हैं। अब ये सब जरा बयान करते हैं कि इन्हें रास्ते में क्या क्या मिल रहा है। जो यहां से चला हो क्या बोलेगा? रास्ते में क्या मिलेगा? और जो वहां नदी किनारे बैठा था और पार कर रहा हो कहेगा रास्ते में क्या मिलेगा? अब इन धर्मों के अनुयायी आए बाद में, 300 साल बीत गए, और जो रेत वाले अनुयायी है वो बोल रहे हैं सत्य तक पहुंचने का रास्ता भरा हुआ है, और जो उधर पानी से होकर चला था वो कह रहा है, जो भीड़ अनुयायी पैदा हो गए वो कह रहे हैं रास्ता भरा हुआ है पानी से। अब हो गई लड़ाई, क्योंकि रेत और पानी तो विपरीत लगते हैं। ये रेत के साधक हो गए हैं, वो पानी के साधक हो गए हैं, हो गई भयंकर लड़ाई छिड़ी है। और जो उधर जंगल से होकर निकलो कह रहे हैं रास्ते में पेड़ मिलते हैं, वो पेड़वादी है, ये पानीवादी है, ये रेतवादी है, और इन सब में अब जंग छिड़ी हुई है। और उस जंग में किसी को भी किसका स्मरण नहीं है? शिखर का, चोटी का, प्रकाश का, उसको सब भूल गए हैं। रास्ते की रेत याद है, ये याद है, वो याद है। ऐसे अलग अलग धर्मों में
संघर्ष छिड़ता है। वास्तव में धर्म को जब भी व्यवस्थित कर दिया, ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, मामला गड़बड़ हो गया, दृष्टि देनी चाहिए। गुरु का, संत का, पैगंबर का जो धर्म है वो ये कि वो दृष्टि दे, और वो दृष्टि ही देता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो लोग बचते हैं वो तो नहीं ना पैगंबर, वो तो नहीं ना ऋषि ना संत, तो वो फिर बंधे बंधाए रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। कोई रेत की बात करेगा, पत्थर की बात करेगा, पहाड़ की बात करेगा, ऐसी बातें जिनका कोई मूल्य नहीं, वो उन बातों पे फिर महत्व डालना शुरू कर देते हैं। तुमने बात की कि सिखों में परंपरा है बाल ना कटवाने की, केशों को रखने की। बेटा ऐसा सबके साथ हुआ है, बस सिखों में इस बात को खुलासा करके और जोर दे करके बोल दिया गया, 5 ककार स्थापित कर दिए गए, और जगहों पर इतना जोर देके बोला नहीं गया है। तुम कभी उपनिषदों के ऋषियों की छवियां देखो, चित्र देखो, वो तुमको सिख ही लगेंगे। उनके केश देखो, पूरे बढ़े हुए हैं, उन्होंने ऊपर भी बाल भूत रखे हैं। जो भी व्यक्ति एक बार अपने शरीर के साथ सहज हो जाता है, उसको फिर इसमें रस नहीं रह जाता कि शरीर के साथ तोड़ मरोड़ करे, समझ रहे हो? वो फिर कहता है जैसा है ठीक है। मूलभूत सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रख लेंगे, इससे ज्यादा हमें शरीर का कुछ करना नहीं है। जिसने शरीर बनाया वो उसकी कर तो रहा है देखभाल, हम क्यों इसमें अड़ंगा डालें, अपना व्यवधान क्यों बनाए? शिव की जटाएं देखी हैं? और अब ऐसा होने लग गया है कि जो शिव के चित्र होते हैं उनमें दिखा देते हैं कि शिव सफाचट हैं। तुम शिव की भी जो पुरानी छवियां हैं, प्रतिमूर्तियां हैं, उनको देखो, तुम्हें दाढ़ी मूछ सब है उनके, तुम कहोगी सरदार ही हैं ये बिल्कुल। ये बात बड़ी सहज है, नैसर्गिक है, ये होना ही है। जो अपने साथ सहज हो गया वो क्यों इस झंझट में पड़ेगा कि रोज उस तरह लेकर के बाल साफ करे? ये क्या पागलपन है? तुम्हें क्या समस्या है? अगर शरीर पर बाल है, रोए हैं, क्या करना है? है तो है। तुमने किस जानवर को देखा कि वो अपने बाल नोचता है? न जानवर अपने बाल नोचता है, न ऋषि अपने बाल नोचता है। ये जो मध्यम वर्गीय मन है सिर्फ ये नोचता है अपने बाल। बारी।